भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसे की कुल 9371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है, ताकि सरकारी बैंकें उनके साथ हुई धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 8,441.5 करोड़ रुपए की कुर्क संपत्तियां ट्रांसफर की हैं, जिन्हें विजय माल्या, नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी के कारण नुकसान हुआ है। बताते चलें कि तीनों भगोड़े कारोबारियों ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को अपनी कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम की हेराफेरी करके धोखा दिया है, जिसके कारण बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। साथ ही ये तीनों आरोपी अब तक फरार हैं।